हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 90s के टाइम की बहुत ही फेमस मिठाई जिसे हलकोआ कहते हैं वो बनाएंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल है और कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, और ये तो अभी दुकानों में बहुत ही कम मिलती है, तो क्यों ना इसे हम घर में बनाकर एक मरतबा उस याद को ताज़ा कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप देसी घी लिया है, एक कप मैदा, एक कप पिसी हुई चीनी है, और ये जो चाय का कप होता है उसी से मैंने सारे मेज़रमेंट किए हैं। छोटे कप से एक कप चीनी है, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर है। तो चले कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस पर एक पैन रख के इसे गर्म कर लिया है। पैन के गर्म होते इसमें ऐड कर देना है हमें घी। घी के थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देते हैं, और अब इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदे को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे अच्छे से। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। तो इसे हमें चलाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से हमें इसे रोस्ट कर लेना है घी के अंदर। तो देखिए 5 मिनट हो चुका है, इसे हम 2 मिनट और रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है मैंने, आप देख सकते हो। तो तकरीबन 7 मिनट इसे मैंने अच्छे से रोस्ट किया है। अब इसे गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दी। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ही ठंडा करना है। तो देखिए इतना गर्म होना चाहिए कि हम इसे हाथ लगा सके। तो अब इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ी थोड़ी करके हम शक्कर ऐड करेंगे, एक साथ पूरी नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ऐड की है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से थोड़ी सी ऐड करेंगे तो 2 टीस्पून मैंने और ऐड की है, इसे भी मिक्स करना है। और फिर हम एक मरतबा चख लेंगे कि चीनी बराबर है या नहीं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ, तो थोड़ी सी चीनी की और ज़रूरत है, तो 1 टीस्पून मैं और ऐड करूँगी, बस इतनी काफ़ी है। तो टोटल मैंने 5 टीस्पून शुगर इसमें ऐड की है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी, हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। देखिए इस तरह से एक बाइंडिंग होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो बैटर है रेडी हो चुका है हलकोआ का। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा है, इसको मैं घी से ग्रीस कर ले रही हूँ। आप कोई भी डब्बे में इसे सेट करने के लिए ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं ये डब्बा ले रही हूँ, ज़्यादा इजी है। तो इसमें ये बैटर को ऐड कर देना है। इसे हम इस तरह से इवनली स्प्रेड कर देंगे स्पून की हेल्प से। आप कोई प्लेट में भी इसे सेट करने के लिए रख सकते हो। तो देखिए इस तरह से इसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया। और देखिए प्लास्टिक का डब्बा मैंने इसलिए लिया है कि देखिए इस तरह से साइड से बस हमें इसे थोड़ा थोड़ा खींचना है, तो ये इजीली बर्फ़ी इसमें से निकल जाती है, बहुत ही आसानी से निकल गई है ये। अब हम इसे कट कर लेंगे, तो आप बड़ी नाइफ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है कट करने के लिए। मेरे पास छोटी है इसलिए थोड़ा सी मुझे दिक्कत हुई इसे कट करने में। आप इसे अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतने बड़े बड़े पीस में कट कर रही हूँ। जो हम बचपन में खाते थे बहुत ही छोटे पीसेस होते थे उसके, और बहुत ही टेस्टी लगती थी, हम उसे एक बाइट में एक एक दो दो खा लेते थे। तो देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई है ये, बहुत ही अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।